हाय फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो आज फ्रेंड्स 15 नवंबर हो गए। 15 नवंबर से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और बैक टू बैक बहुत सारे एग्जाम आने वाले, स्टेट का सेंट्रल के भी एग्जाम आने वाले, इसलिए करंट अफेयर्स आपके सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़िए, क्योंकि डे टू डे पढ़ेंगे तो आपको एग्जाम के टाइम में ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप पहले से तैयारी करते रहेंगे तो आपको आपकी ऐसी तैयारी हो जाएगी तो आप सीधा मॉक टेस्ट लगाते चलते बनिएगा। तो आपको एग्जाम टाइम में करंट अफेयर्स आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं, अगर पढ़ना भी चाहते हो तो आपको रिविजन करते चलिए तो आपको करंट अफेयर्स में एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स, जो आपके एग्जाम के लिए तैयार किए गए क्वेश्चन हैं। तो आज हमारा पहला क्वेश्चन, हाल ही में विश्व दयालुता दिवस कब मनाया गया है? तो 11 नवंबर, 13 नवंबर, 12 नवंबर, डी है इनमें से कोई। हाल ही में 13 नवंबर को विश्व भर में दयालुता दिवस मनाया जाता है। आपके लोगों को जो कि उसको जागरूक करने, उनके मतलब बढ़ावा देने के लिए विश्व जो कि दयालुता दिवस मनाया जाता है 13 नवंबर को, याद रखिएगा। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जारी QS Asia यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत में कौन सा संस्थान शीर्ष स्थान पर रहा है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, तो IIT दिल्ली, ISC बेंगलुरु, IIT बॉम्बे या डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाए जो IIT बॉम्बे है। ये आपके एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत में जो कि शीर्ष स्थान पर IIT बॉम्बे रहा है, तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। IIT बॉम्बे याद रखिए, यूनिवर्सिटी एशिया आपके यूनिवर्सिटी रहेंगे, क्योंकि भारत का आपका IIT जो बॉम्बे संस्थान है शीर्ष स्थान पर प्रथम स्थान पर रहा है, इसका सी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, हाल ही में किसने ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस पोर्टल लॉन्च किया? तो पीयूष गोयल, RK सिंह या S जयशंकर या आपके डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाए RK सिंह, जो कि हमारे ऊर्जा मंत्री है। इन्होंने ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस पोर्टल लॉन्च इन्होंने किया है, तो आपके इसका बी ऑप्शन सही याद रखिएगा। ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस पोर्टल लॉन्च किया है RK सिंह ने, तो आपके हमारे ऊर्जा मंत्री, याद रखिएगा, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा देश 2024 में अंडर-19 वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा? तो ऑस्ट्रेलिया, भारत, श्रीलंका, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में 2024 में होने वाले यहाँ पे अंडर-19 वर्ल्ड कप की मेजबानी जो कि श्रीलंका करने जा रहा है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आगामी खेल को आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, ज़्यादातर 2024 के लिए पूछा गया है ना। तो 2024 के लिए अंडर-19 जो मेंस वर्ल्ड कप होने जाएगा 2024 में, जिसकी मेजबानी यहाँ पे श्रीलंका को जो कि की गई। इसके बाद देते हैं जो कि 4 सालों को यहाँ पे जो कि जारी कर दिए है लिस्ट यहाँ पे। तो 2024 अंडर-19 जिसमें मेंस वर्ल्ड कप है जो कि श्रीलंका में आयोजित किया जाएगा। इसके बाद आपको वहीं 2026 में जिम्बाब्वे और नामीबिया देश को जो कि संयुक्त रूप से इन देशों को दिया है। तो 2026 में आपके जिम्बाब्वे और नामीबिया जो संयुक्त रूप से इनको जो कि दिया गया है मेजबानी करने के लिए। इसके बाद देखते हैं फीमेल कैटेगरी में, तो फीमेल जो वर्ल्ड कप में यहाँ पे 2025 में अंडर-19 जो वीमेंस जो वर्ल्ड कप यहाँ पे मलेशिया में आपका 2025 में जो वीमेंस वर्ल्ड कप होगा मलेशिया में किया जाएगा 2025 के लिए, याद रखिएगा। ये आपका वीमेंस वर्ल्ड कप है जो कि मलेशिया में 2025 में अंडर-19 मेजबानी करेगा मलेशिया। इसके बाद देखेंगे 2027, तो 2027 में बांग्लादेश और नेपाल को दिया गया है मेजबानी करने के लिए, याद रखिएगा। 25 में आपका मलेशिया में ये आपका वुमेन्स वर्ल्ड कप है, और 27 में आपका बांग्लादेश और नेपाल को जो कि दिया गया है, तो याद रखिएगा। तो 2027 जो वुमेन्स वर्ल्ड कप है अंडर-19, तो आपके बांग्लादेश और नेपाल को सौंपी गई है, तो याद रखिए इसका सी ऑप्शन सही है हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर का उद्घाटन किया किस राज्य में किया जा रहा है? तो हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर का उद्घाटन किस राज्य में किया जा रहा है? तो आपके हरियाणा राज्य में किया जा रहा है। तो हरियाणा की बात करें, राजधानी है चंडीगढ़, मनोहर लाल यहाँ के जो कि मुख्यमंत्री है, और बंडारू दत्तात्रेय वर्तमान में जो कि हरियाणा के राज्यपाल हैं, तो याद रखिएगा इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में एशियन एयरगन चैंपियनशिप में महुली घोष ने कौन सा पदक जीता है? याद रखिएगा, कांस्य, स्वर्ण, रजत, डी है इनमें से कोई नहीं। तो महुली घोष
जो कि इन्होंने एयरगन चैंपियनशिप, महुली घोष ने यहाँ पे स्वर्ण पदक जीता है। तो महुली घोष जो कि इनकी जन्मस्थली आपका हुगली वेस्ट बंगाल में इनका जन्म है और इंडियन आपके भारतीय हैं। तो महुली घोष आपके ओलंपिक ओलंपिक एथलीट हैं जो कि भारतीय निशानेबाज प्लेयर हैं और वेस्ट बंगाल हुगली में इनका जन्म स्थान है। तो उन्होंने एशिया एयरगन चैंपियनशिप में उन्होंने महुली घोष ने स्वर्ण पदक जीता है, याद रखिएगा। इसका भी ऑप्शन सही हो जाए, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि महुली जो घोष है कौन से पदक जीता है, तो स्वर्ण पदक जीत कौन से खेल से संबंधित है पूछा जाएगा। तो याद रखिएगा ओलंपिक एथलीट प्लेयर है, मतलब भारतीय निशानेबाज प्लेयर है, तो इसका भी ऑप्शन याद रखिएगा। हाल ही में सिद्धार्थ वीर सूर्यवंशी का निधन हुआ है, कौन थे? तो लेखक, गायक, टीवी अभिनेता, डी है इनमें से कौन है। हाल ही में जो सिद्धार्थ कुछ दिन पहले आई थी, सिद्धार्थ वीर जो सूर्यवंशी, इनका निधन हुआ है। जो पेशे से एक टीवी एक्टर अभिनेता थे, उन्हें जिम में वर्क जिम में जो कि एक्सरसाइज करते हुए उनका जो कि हार्ट अटैक केस से इनका निधन हो गया। जो कि एक टीवी एक्टर थे सूर्यवीर सूर्यवंशी, याद रखिए, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में वैश्विक उत्पादन में 41% के साथ बाजरा का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा बना है? तो चीन, भारत, जापान, डी है इनमें से कोई नहीं। हाल ही में वैश्विक उत्पादन में 41% के साथ बाजरा का प्रमुख उत्पादक देश हमारा भारत देश बना है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे वैश्विक उत्पादन में 41% के साथ बाजरा का प्रमुख उत्पादक देश भारत बना है, तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता को ग्लोबल आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो शाहरुख खान, अक्षय कुमार, सैफ अली खान या डी है इनमें से कोई नहीं। हाल ही में जो शाहरुख खान है जो कि बॉलीवुड के जाने माने एक्टर हैं, तो इनको जो कि ग्लोबल आइकन अवार्ड से इनको सम्मानित किया है, याद रखिए। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ग्लोबल आइकन अवार्ड से शाहरुख खान को जो कि नवाजा गया है, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में 2022 के श्री लाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो आपके HS रंजन, जयनंदन, विंकी रामकृष्णन और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जयनंदन। 2022 में इनको श्री लाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान से इनको सम्मानित किया गया है, जयनंदन जी को। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा, याद रखिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किस राज्य में गरीब पिछड़े वर्गों के आरक्षण को 77% बढ़ाने के लिए विधेयक पारित किया गया? तो कौन सा राज्य में किया गया है? तो आपके बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड और डी है हरियाणा। तो हाल ही में जो झारखंड राज्य, यहाँ पे गरीब पिछड़े वर्गों का आरक्षण को यहाँ पे 77% बढ़ाने के लिए यहाँ पे विधेयक एक पारित किया गया है। तो यह झारखंड सरकार द्वारा जो को यहाँ पे विधेयक पारित किया गया। झारखंड की बात करें, यहाँ की राजधानी है रांची। हेमंत सारेन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और श्रीमती रमेश जो बैस है जो कि यहाँ के राज्यपाल, जो कि यहाँ के राज्यपाल है झारखंड के, याद रखिएगा। तो यहाँ के जो राज्य सरकार है पिछड़े वर्ग को आरक्षण को 77% तक बढ़ाने के लिए यहाँ पे विधेयक पारित किया गया, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस किस शहर में हरी झंडी दिखाई गई है? तो चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, डी है इनमें से कोई नहीं। हाल ही में दक्षिण भारत की पहले वंदे भारत एक्सप्रेस आपके बेंगलुरु शहर में हरी झंडी दिखाई गई, याद रखिएगा। वंदे भारत एक्सप्रेस जो कि किस शहर में झंडी जो कि स्टार्ट किया गया है, तो बेंगलुरु कहाँ है? तो आपका कर्नाटक में है, तो याद रखिए यहाँ पे जो कि चलाई जा रही है। तो कर्नाटक के राजधानी बेंगलुरु, बसवराज बम्बई यहाँ के जो कि मुख्यमंत्री और थावरचंद गहलोत यहाँ के राज्यपाल है। तो याद रखिए दक्षिण भारत के पहले वंदे भारत एक्सप्रेस आपके बेंगलुरु शहर में हरी झंडी दिखाई गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार सितंबर माह में औद्योगिक उत्पादन कितने प्रतिशत बढ़ा है? तो 1.4%, 2.8%, 3.1% डी है इनमें से कोई नहीं। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार सितंबर माह में, मतलब सितंबर के महीने में औद्योगिक जो उत्पादन है यहाँ पे औद्योगिक उत्पादन लगभग 3.1% की यहाँ पे बढ़ोतरी हुई थी, याद रखिएगा। 3.1% को उत्पादन यहाँ पे औद्योगिक उत्पादन बढ़ा है, जिसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य में कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का अधिसूचित किया गया है? तो तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में तमिलनाडु राज्य में जो कि कावेरी साउथ जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को यहाँ पर अधिसूचित किया है, सूचित किया गया है, तो याद रखिए तमिलनाडु की जो कि कावेरी जो साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को यहाँ पर अधिसूचित किया गया है, तो याद रखिएगा।
अब यहाँ पे बात कर तमिलनाडु, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, एम के स्टालिन यहाँ के मुख्यमंत्री, श्री आर एन रवि जो कि वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं। तो याद रखिए इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे आईसीसी आप जो कि आईसीसी हाल ऑफ फेम में शामिल किया गया, तो आपके रिडले जैकब्स आर, आपके सरवन शिवनारायण शिवनारायण चंद्रपाल डी है इनमें से कौन हाल ही में आईसीसी हाल ऑफ फेम में जो कि शिवनारायण चंद्रपाल को जो कि शामिल किया गया, याद रखिएगा आईसीसी में। यहाँ पे बात करते हैं आईसीसी, आईसीसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसका फुल फॉर्म होता है, हेडक्वार्टर आपके दुबई में इसका हेडक्वार्टर है और इसकी स्थापना 15 जून 1909 में जो कि आईसीसी का जो कि स्थापना किया गया है और इसके चेयरमैन वर्तमान में ग्रेग बारकले जो कि आईसीसी के अभी वर्तमान में चेयरमैन है। इनके हाल ही में कुछ दिन मैं बताया था कि इनके जो कार्यकाल को 2 साल के लिए इसको फिर से बढ़ाया गया, तो याद रखिए जो शिवनारायण चंद्रपाल को आईसीसी ऑल फेम में जो कि इनको शामिल किया गया। तो आज का करंट अफेयर्स कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अगर चैनल में नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।